नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। अनुराग ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा भ्रष्टाचार से भरा है दामन इनका। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को सेंसोवाल गांव में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत हरोली भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअली संबोधन सुना। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर और विपक्षी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा है। जनता का कांग्रेस से उठा विश्वास, अनुराग ने कहा कि देश की जनता का कांग्रेस से विश्वास उठ गया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का पद प्राप्त करने के काबिल नहीं रहे। उन्होंने विपक्ष के महागठबंधन पर भी कहा, विपक्षी दल एक सुर में एक दिन भी बोल नहीं पाए हैं। बैठक के अगले दिन ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस के विरुद्ध आग उगली है। 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, चार की मौत, एक गंभीर घायल। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है जबकि एक गंभीर घायल है। रामपुर के शलून कैंची के पास ऑल्टो कार HP06B3901 सड़क से 500 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। मृतकों में तीन लोग एक ही गाँव के बताए जा रहे हैं। सभी एक शादी समारोह से लौट रहे थे। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। हिमाचल दूसरे दिन 100 रुपए और बढ़े 1600 में बिका टमाटर का क्रेट, किसान गदगद। मौसम की मार से परेशान किसानों के चेहरों पर टमाटर की बढ़ी कीमत ने रौनक ला दी है लेकिन उपभोक्ताओं को बेहाल कर दिया है। अमूमन शुरुआती सीजन मंडी में 500 से 600 रुपए बिकने वाले सोलन के लोकल टमाटर का 25 किलो का क्रेट 600 से 1600 तक के बीच में बिक जाता है। अब सब्जी मंडी में टमाटर की आवक भी बढ़ गई है। जिला सिरमौर से भी टमाटर आना शुरू हो गया है। मंगलवार को मंडी में 1500 क्रेट पहुंची। हालांकि अभी कुछ ही क्षेत्रों में टमाटर तैयार हुआ है। 2 सप्ताह तक आवक और अधिक हो जाएगी। सोलन का टमाटर दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब जा रहा है। बाहरी राज्यों से भी रोज व्यापारियों ने आना शुरू कर दिया है। 6,74,948 क्रेट टमाटर की फसल बीते साल सोलन मंडी पहुंची थी। 30 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। उपभोक्ताओं को राहत, डिपो में अगले माह 13 रुपए तक सस्ता मिलेगा रिफाइंड तेल। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड धारक परिवारों को राहत दी है। सरसों के बाद सरकार ने अब फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल 13 रुपए तक सस्ता कर दिया है। उपभोक्ताओं को डिपो में रिफाइंड तेल अगले माह जुलाई से 104 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 19.50 लाख राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 7.54 लाख उपभोक्ताओं को 8 और 11.53 APL परिवारों को 13 रुपए का फायदा होगा। इससे पूर्व NFSA राशन कार्ड परिवारों को खाद्य तेल 112 रुपए प्रति लीटर जबकि APL राशन कार्ड धारकों को 117 रुपए प्रति लीटर की दर से उपलब्ध हो रहा था। चंबा तीसा मार्ग पर खाई में गिरी कार, 3 लोग घायल। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों की पहचान कमल देव पुत्र परमा निवासी चला गजेंद्र पुत्र देव निवासी गांव प्रिगंड व लेखराज पुत्र नौरंग निवासी गांव टीकरी तहसील चुराहा जिला चंबा के रूप में हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर एक कार कल हेल से तीसा की ओर जा रही थी। जब कार मधुवाड़ के पास पहुंची तो चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया और कार गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने हादसे की जानकारी नकरोड़ पुलिस चौकी को दी। जानकारी मिलते ही नकरोड़ पुलिस चौकी घटनास्थल पर पहुंची। इस दौरान स्थानीय लोगों द्वारा घायल को तुरंत खाई से निकालकर मुख्य सड़क मार्ग तक पहुंचाया गया। इसके बाद घायलों को निजी वाहन के सहायता से मेडिकल कॉलेज चंबा ले जाएगा जहां उनका उपचार चल रहा है। उनकी हालत खतरे से बाहर है। SP अभिषेक यादव ने हादसे की पुष्टि की है। अब मेरिट आधार पर भरी जाएंगी MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कोर्स की सीटें। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कोर्स की सीटें इस बार भी मेरिट के आधार पर ही भरने का निर्णय लिया है। युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर दिलाने वाले कोर्स में पहले VV ने प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सीटें भरने का निर्णय लिया था लेकिन अब प्रवेश प्रक्रिया आयोजित नहीं की जाएगी। पिछले साल की तरह ही BSc फाइनल ईयर की मेरिट के आधार पर ही सीटें भरी जाएंगी। यहाँ पर MSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कुल 40 सीटें भरी जानी है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में रोजगार की अपार संभावना है, अच्छा पैकेज मिलता है। हिमाचल में पहली बार ये विषय शुरू किया गया है। इससे पहले प्रदेश के किसी सरकारी संस्थान में इस विषय की पढ़ाई नहीं होती थी। युवाओं को कोर्स के लिए बाहरी राज्यों का रुख करना पड़ता था मगर प्रदेश में ही कोर्स के शुरू होने के बाद युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
हिमाचल में बारिश से अब तक 103 करोड़ का नुकसान। राज्य को केंद्र से नहीं मिला आपदा राहत फंड। प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है, कई स्थानों पर भारी वर्षा से नुकसान हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार से अभी तक आपदा राहत के तौर पर मिलने वाले 180 करोड़ रुपए की पहली किश्त नहीं मिली है। प्रदेश सरकार को अपने खजाने से राहत कार्यों के लिए राशि खर्च करनी पड़ रही है। केंद्र से जून व दिसंबर में दो किश्त में आपदा प्रबंधन के लिए 180 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाती है। आपदा राहत के लिए केंद्र सरकार की ओर से 90-10 के अनुपात में राज्य सरकार को धनराशि प्राप्त होती है। प्रदेश सरकार को 20 करोड़ रुपए का अपना हिस्सा डालना पड़ता है। हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल, 9 आईएएस और 9 एचपीएएस अफसरों के बदले विभाग। आईएएस रोहन चंद्र ठाकुर को एचआरटीसी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाल रहे संदीप कुमार को विशेष सचिव तकनीकी शिक्षा के पद पर नियुक्ति दी गई है। शुभकरण को हिमुर्जा का कार्यकारी निदेशक और भूपेंद्र अत्री को नगर निगम शिमला का आयुक्त लगाया गया है। सरकार ने 9 आईएएस और 9 एचएएस अफसरों के विभाग बदल दिए हैं। मंगलवार देर शाम क्रामिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की। नालागढ़ का व्यक्ति हुआ ऑनलाइन ठगी का शिकार। छात्रों ने ऐसे लगाई 19 लाख की चपत। नालागढ़ में एक व्यक्ति से 19 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। छात्रों ने व्यक्ति से विदेश में रहने वाले भतीजे द्वारा एक नागरिक का मर्डर करने के नाम पर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। पीड़ित कुलदीप सिंह गांव कटी रड्डू माजरा तहसील नालागढ़ ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत में बताया कि उसका भतीजा सहजपाल सिंह पुत्र कुलजीत सिंह पिछले 4 वर्षों से जर्मनी में पढ़ाई करता है। बीते दिनों विदेशी नंबर से फोन आया कि आपके भतीजे समेत 3 अन्य लड़कों को जर्मनी पुलिस ने मर्डर के मामले में गिरफ्तार किया है। इसके बाद जमानत करवाने के लिए 7 लाख रुपए की डिमांड की तो उनके खाते में अलग अलग ट्रांजैक्शन द्वारा 19,16,999 रुपए दे दिए। पीड़ित ने बताया कि बेइज्जती के डर से किसी से बात नहीं की। जब डिमांड बढ़ने लगी तो भाई कुलजीत सिंह को बताया तो उन्होंने कहा कि बेटे सहजपाल से बात हो रही है। इसके बाद ठगी का एहसास हुआ तो पुलिस को ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।